हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है पूर्व में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और वो टॉपिक हमारा क्या है, वो टॉपिक है हमारा 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसकी घोषणा कब की गई, तो इसकी घोषणा जो है वो 16 अगस्त 2024 को की गई। इस पुरस्कार की घोषणा कौन करता है, तो इस पुरस्कार की घोषणा और आयोजन जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करता है। और इस पुरस्कार से सम्मानित कौन करता है, तो इस पुरस्कार से सम्मानित जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी। पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 1954 में दिया गया था। अब 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आट्टम को दिया गया, जो कि एक मलयालम फिल्म है। प्रश्न इसी तरह से फ्रेम होता है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो वहां हमारा उत्तर क्या होता है, आट्टम। इसी प्रकार 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्थात बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है वो ऋषभ शेट्टी को दिया गया। अब प्रश्न यहाँ एक और दूसरी तरह से किस तरह फ्रेम होता है कि सर्वश्रेष्ठ 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को किस फिल्म के लिए दिया गया, तो ऋषभ शेट्टी को कांतारा फिल्म के लिए दिया गया। कांतारा एक जो है वो कन्नड़ फिल्म है। इसी तरह 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड संयुक्त रूप से दो अभिनेत्रियों को दिया गया, एक नित्या मेनन को थिरुचित्रम्बलम फिल्म के लिए और दूसरा मानसी पारिक को कच्छ एक्सप्रेस के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है वो सूरज बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी युवा फिल्म का अवार्ड गुलमोहर को दिया गया है। एक जी के एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।